हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे फिशर आइडल इंडेक्स नंबर एंड रिवर्सिबिलिटी टेस्ट में फैक्टर रिवर्सल टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। लास्ट वीडियो में हमने आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट बताया था, आज की वीडियो में हम बताएंगे प्रूव करना फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से आपको मिलेगा जैसा मैं लिखा हूं यहाँ पे, जैसा मैं बता रहा हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट फिशर आइडल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो एंड शो दैट इट सैटिस्फाइज द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। मतलब यहाँ पे एफआरटी जो है सैटिस्फाइड करना, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को शॉर्टकट में एफआरटी बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिशर का आइडल इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। तो फिशर का जो आइडल इंडेक्स नंबर होता है P01 इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाई सिग्मा P0Q1 इंटू 100। तो इसके लिए सारी चीजें पहले हम निकाल लेते हैं क्योंकि जब ये सारी चीजें निकल जाएंगी तो प्रूव करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। एक कॉलम कॉम्युनिटी के लिए बना लेते हैं, कॉम्युनिटी में 5 है ए बी सी डी ई। एक हो गया P0, P0 मतलब क्या, जैसे 1992 है 1993 है तो 1992 हो गया बेस ईयर जिसको आधार वर्ष बोलते हैं, और ये हो गया करेंट ईयर। मतलब जब भी आपको दो वर्ष दिया रहे वहां बेस ईयर करंट ईयर ना लिखा रहे, तो जो पुराना वाला होता है वो बेस ईयर होता है, जो नया वाला होता है वो करंट ईयर होता है। तो बेस ईयर की प्राइस P0 क्वांटिटी P0, करंट ईयर की प्राइस P1 क्वांटिटी Q1। तो यहाँ पे P0 है 10, 12, 18, 20, 22। इसी तरह देखिए क्वांटिटी Q0, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0 होती है 49, 25, 10, 5, 8। फिर देखिए करेंट ईयर की प्राइस P1 12, 15, 20, 40, 45। फिर देखिए क्वांटिटी Q1 50, 20, 12, 2, 5। अब जितनी चीजें फार्मूले में चाहिए हम निकाल लेते हैं, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1। भाई देखिए P1 Q0 कहां से आएगा, इन दोनों का करेंगे हम मल्टीप्लाई तो आ जाएगा P1 Q0। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 49 इंटू 12, जब 49 इंटू 12 करेंगे तो आएगा वैल्यू 588 588। फिर 25 इंटू 15 375। फिर 10 इंटू 20 200। फिर 5 इंटू 40 200। 8 इंटू 45 360। अब इसी के साथ टोटल भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो टोटल हम करेंगे तो वैल्यू आएगी 1723। उसी तरह देखिए P0 Q0, जो P0 Q0 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिए P0 यहाँ Q0 यहाँ 10 इंटू 49 490। 12 इंटू 25 300। 18 इंटू 10 180। 20 इंटू 5 100। 22 इंटू 8 176। उसी तरह देखिए P1 Q1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो P1 यहाँ है, ये Q1 यहाँ है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 Q1 आ जाएगा। तो 12 इंटू 50 600। फिर 15 इंटू 20 300। 20 इंटू 12 240 40 इंटू 280 और 45 इंटू 5 225। इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। देखिए P0 Q0 को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 1246, और जो P1 Q1 को ऐड करेंगे ये वैल्यू आएगी 1445। अब बचा क्या हमारे पास, P0 Q1। P0 यहाँ है, Q1 यहाँ है, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया जाएगा P0 Q1। देखिए 10 इंटू 50 500,
फिर उसके बाद देखिए 12 × 20 240, 18 × 12 216, 20 × 2 40, 22 × 5 110। अब देखिए इसका हम टोटल करेंगे तो जो टोटल करेंगे जो हमारे पास फिगर आएगी वो आएगी 1106। अब करेंगे क्या, हम फिशर का एडल इंडेक्स सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले पे वैल्यू को रखेंगे। देख लीजिए वैल्यू कैसे रखते हैं, P1Q0 1723 डिवाइड बाय P0Q0 की वैल्यू 1246 इंटू 1445 डिवाइड बाय 1106 इंटू 100। देखिए इसी को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो फिगर हमारे पास आएगी आप लोग इसको रफली सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमको FRT भी बताना है। इस वजह से मैं इसका आंसर लिख देता हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। 134.41 आएगा सॉल्व करने पे। अब हमें प्रूव करना है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। चलिए देखते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कैसे प्रूव होगा। देखिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए सबसे पहले हम इसको करते हैं रिमूव, फिशर का आइडियल इंडेक्स जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो फिशर का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला तो आपके सामने है, और एक क्वांटिटी इंडेक्स होता है जिसको Q01 बोलते हैं। तो जो FRT होता है इसको फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं, यहां प्रूव करना है वो होता है P01 × Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाई सिग्मा P0Q0, यही प्रूव करना होता है। तो इसके लिए देखिए फिशर का आइडियल इंडेक्स जो P01 होता है, फिशर का आइडियल इंडेक्स होता है, क्वांटिटी इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, देखिए इन दोनों का जगह आपस में चेंज हो जाता है, मतलब जहां जहां P1Q0 है वहां वहां P0Q1 हो जाएगा। देखिए P0Q1 डिवाइड बाय P0Q0 इनटू सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P1Q0 इनटू 100। अब देखिए सबको हम एक साथ रखते हैं, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने कितना आना चाहिए। तो अब सबसे पहला काम करेंगे कि 100 का मल्टीप्लाई हम छोड़ देंगे, तो P01 × Q01 इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों को हम एक साथ रूट में रख सकते हैं क्योंकि इसकी जगह हम रख लेंगे इस फिगर को, इंटू इसके जगह रख लेंगे हम इस फिगर को। देखिए सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 इंटू, अब देखिए इस फिगर को रखते हैं हम सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q0। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जितनी फिगर यहाँ पे दिया गया है इस फॉर्मूले में यहाँ निकाले हम लोग उसको रखते हैं। देखते हैं 1723 डिवाइड बाई 1246 इंटू 1445 डिवाइड बाई 1106 इंटू, अब देखिए P0Q1 तो P0Q1 यहाँ है 1106 डिवाइड बाई P0Q0 1246 इंटू P1Q1 1445 डिवाइड बाई P1Q0 1723। अब इसी को करेंगे हम सॉल्व, तो जब सॉल्व करेंगे देखिए ये कट गया और क्या क्या कट सकता है, ये कट गया, बाकी तो कटेगा नहीं। देखिए ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1445 डिवाइड बाई 1246 इंटू 1445 डिवाइड बाई 1246, ये देखिए स्क्वायर रूट में आएगा। तब स्क्वायर रूट में है, दो वैल्यू सेम अंदर है तो एक हम बाहर करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 1445 डिवाइड बाई 1246। देखिए यहां पे 1445 किसकी वैल्यू है, देखिए सिग्मा P1Q1 लिख दीजिए यहां पे सिग्मा P1Q1। अब 1246 किसकी वैल्यू है, सिग्मा P0Q0। देखिए यही प्रूफ करना था हमको, ये आ गया, ये हो गया प्रूफ। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई हमारे साथ जारी रखिए। धन्यवाद।